सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मैनर ब्लॉग। तो भाई इस वाले ब्लॉग की शुरुआत भाई हम लोग कर रहे हैं अपने गांव के बाहर और मेन हाईवे से। भाई पीछे की देख ही सकते हो भाई जो लोकेशन है। और भाई आज वाला जो ब्लॉग है भाई थोड़ा सा आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा भाई जो बहुत ज़रूरी थी। तो फाइनली भाई आज वाला ब्लॉग भाई इसलिए मैंने उसको सीन करना बहुत ज़रूरी था, यानी कि क्रिएट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि भाई इस वाले ब्लॉग में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी देना चाहता था भाई जिसकी जानकारी आप पहले वाले वीडियो में नहीं दे पा रहा था आपके लिए। तो भाई वो इसमें देना मैंने कि ज़रूरी समझा। जैसा कि मेरे के पहले का भाई मेरा जो कंटेंट था वो भाई बाइक स्टैंड से रिलेटेड था। तो भाई जैसा कि आपको मैं प्रॉपर समझाता रहता था यार, और पूरा भाई जैसा भी सीन होता था भाई पूरा आपके लिए मैंने ट्यूटोरियल देता था भाई, पूरी थ्योरी समझाता था और प्रैक्टिस भाई प्रैक्टिस करके दिखाता भी था। और आप लोगों के भाई उस पर जो है ना बहुत ज़्यादा प्यार भी आ रहा था। और आपका भाई फिर से उसी कंटेंट को रिकैच भाई कर रहा है, क्योंकि भाई उस वाले कंटेंट को भाई मेरे पब्लिक है ना बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है। तो भाई इधर सामने भाई खड़े हुए हैं हमारे, नाम नहीं बताऊंगा भाई, अगर जो बंदे ने देखा है तो भाई मेरे को कमेंट करके बता दो कि भाई भाई का नाम क्या था। और ये भाई है बाइक जिससे भाई आज से आगे की वीडियो भाई मैं प्रॉपर शूट करूंगा और आप लोगों के लिए जो भी वीडियो के टॉपिक होंगे भाई इससे लेने वाला हूँ। और जो भी भाई मोटो ब्लॉगिंग की बात करते हो भाई मोटो ब्लॉगिंग के लिए ये बाइक बहुत अच्छी रहेगी भाई, और जैसा भी होगा आपके लिए प्रॉपर वीडियो में देखते रहेंगे। तो पहले तो चलते हैं और भाई इसकी थोड़ी सी स्पीड वगैरह का टेस्ट लेके देखते हैं, और भाई देखते हैं कि बाइक में भाई कोई साउंड वगैरह तो नहीं है। हालांकि भाई मेरी बाइक है और काफ़ी दिनों से बाइक खड़ी थी तो भाई हम लोग नहीं यूज़ कर रहे थे इसको ज़्यादा, तो भाई अब हम लोग इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई वो वाली बाइक ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम्स की वजह से मेरे को अपनी जगह से हटानी पड़ी थी। तो भाई इसलिए भाई अब इस बाइक से हम अपनी प्रॉपर वीडियो को शूट करेंगे। फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं, मैं बता दूं कि भाई अगर लोकेशन आप लोग नहीं बता पा रहे कोई बात नहीं भाई, हम लोग अभी आ चुके हैं निगोई में, और निगोई में भाई जो हमारा नायरा का फ्यूल पंप है हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं। अभी का सीन में बता दूं कि भाई आप लोग कमेंट करके पूछो कि भाई मेरी बाइक क्या कैसे। भाई फाइनली बाइक को मैंने अपनी सेल कर दिया था और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से भाई मेरे को सेल करना पड़ा, लेकिन भाई कोई प्रॉब्लम्स की ऐसी बात नहीं है भाई, 6 महीने में हो सकता है कि उससे पहले भी मैं बाइक को परचेज कर सकता हूँ, और उससे पहले भी ये हो सकता है कि भाई आप लोग जितनी हेल्प कर दोगे उतनी बहुत ही कम मानूँ नहीं बहुत ज़्यादा मानूंगा भाई, क्योंकि आप लोगों का जो प्यार है ना भाई, आप लोगों का प्यार हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि भाई ऐसा प्यार नसीब वालों को मिलता है। अभी इधर हमारे विशाल भाई ऑलरेडी आ चुके हैं, और पीछे भाई हमारे देख ही सकते हो भाई अभी भाई आ चुके हैं, और दोनों लोग और भाइयों से मिलके, और यहाँ पर भाई हम लोग अपने ब्लॉक में बता दूँ कि भाई अपनी ड्यूक 250 को भाई फाइनली मिस कर रहा हूँ, और बट भाई प्रॉब्लम भाई इसलिए नहीं है क्योंकि भाई प्रॉब्लम जो भी थी वो मैंने धीरे धीरे करके अपनी सॉल्व कर ली है। बाइक का सीन ये है, बाइक 6 महीने से पहले ले लूँगा, और मैं बता दूँ कि भाई देखो ये है बाइक ऑलरेडी TVS Tracity 110cc की बाइक है, और काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस है भाई चलाने में। अभी मैंने आपको प्रॉपर मीटर भी दिखाया था और जो स्पीड वगैरह थी जिस तरीके से बाइक चल रही थी प्रॉपर मैंने आपको पूरी चेक करके दिखाई थी। और आप लोग इससे पहले कि अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके भाई पॉपलोड वीडियो को जाकर चेक कर सकते हो भाई, वहाँ पर भी मैंने जो भी अपनी बाइक से रिलेटेड वीडियो डाली थी वो भी भाई हमारी TVS Tracity की ही थी, और उससे बाद में जो भी मैंने डाली इस वाली वीडियो में बता दूँ कि भाई देखो ये भाई देख ही सकते हो भाई, सिंपल सा मैं बता दूँ कि भाई ये भाई कौन सा है भाई 14 है। तो ये भाई हमारे विशाल भाई ने 2 फ़ोन ऑलरेडी परचेज किए हैं, और इसकी मोटी वाली पार्टी होगी भाई, और भाई मोटी पार्टी में भाई क्या मिलेगा भाई, देखो भैया मुझे भाई क्या लेंगे पार्टी में अपने लोग, कम से कम मोबाइल कितने का होगा भाई, इधर देखो इधर सुनो, कम से कम फ़ोन कितने का होगा, 57 का है, 57 दूनी कितने हो गए, 114, ईमानदारी को हो गए, खर्च कितने होने चाहिए बताओ भाई, नहीं अरे यार भैया यार देखो यार गलत बात थोड़ी बता रहे हैं, नहीं 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 जो आप बताएंगे वो करते हैं यार, अरे यार जो क्या बताओगे भाई, हम लोगों को क्या चाहिए यार भैया नॉर्मल जो आप लोग कहोगे, तो भाई कोई बात नहीं, खाने पीने की बात अलग है। तो मैं बता दूं कि भाई ये फोन एक ये ब्लू वाला है ना हल्का सा, हाँ ये ब्लू कलर है, और एक वो जो विकास को दिलाया है वो वाइट है। तो भाई ये भाई ने 2 फ़ोन लिए हैं ऑलरेडी 14 के, और 57 का पड़ा था क्रेडिट कार्ड वगैरह किसी लगाया था, एक 57 का एक 58 का है, यानी कि 1,15,000 के, हाँ। तो भाई ये 2 फ़ोन भाई ने लिए हैं, और भाई बहुत ज़्यादा स्मूथनेस भाई लग रही है, और आपको पता भाई देखो 14 की क्वालिटी क्या है वो तो भाई सिंपल सा बताने की ज़रूरत मेरे को है ही नहीं,
और अभी इसका भाई प्रॉपर मैं कैमरा भी चेक करा लेता हूँ। तो ये भाई कैमरा, और ये हो गया वीडियो कॉल, और ये हो गया भाई हमारा डायरेक्ट। तो भाई ये सिंपल सा भाई चेक ही कर सकते हो भाई, देखो ये है कैमरा क्वालिटी और काफ़ी ज़्यादा भाई स्मूथनेस नज़र आ रही है मेरे को। और जैसा कि मैं बता दूँ कि भाई इसके कैमरे क्वालिटी और भाई हमारे सैमसंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और उसके बाद में भाई टीवीएस के बाद में जो भी मेरे बाइक अपनी जाननी थी वो भी भाई टीवीएस की थी। और फिर से भाई ये हमारी थर्ड बाइक है टीवीएस की, और भाई मैं बता दूँ टीवीएस का भाई परमानेंट कस्टमर हूँ, जिसकी वजह से मैं बता दूँ कि भाई बहुत ही ज़्यादा मेरे को ऑफर्स भी आते रहते हैं कंपनी की तरफ से कि भाई आप हमारी बाइक ले सकते हो, आप चाहे तो फाइनेंस करा सकते हो, और भाई 0% में है आप हमारी बाइक को ले सकते हो। लेकिन भाई मैं बता दूँ भाई नॉर्मल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मैं बता दूँ कि भाई अभी मेरे को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और हो सकता है कि मैं आगे चल के कोई बाइक जब लेता हूँ तो मैं उसमें बाइक में अपनी थोड़ा सा मनी अर्निंग जो भी हमारी होगी उसको हम जमा करके और फाइनली फिर देखते हैं कि भाई हमें कौन सी बाइक को परचेज करना है। लोगों से बस छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि भाई जितनी ज़्यादा हो आप वीडियो को व्यू कीजिएगा, एंड भाई अपने प्यारे से कमेंट ना वीडियो में डाल दीजिएगा, एंड आपको जो भी इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, जिससे कि आपकी मैं पूरी हेल्प कर पाऊँ। और मैं बता दूं कि भाई ये देखो ऑलरेडी मैंने बाइक को भी प्रॉपर आपको चेक करा दिया है, और इससे रिलेटेड जो भी बाइक स्टंट्स होंगे वो आपको एक नॉर्मल 100cc बाइक की बात करें या फिर हम लोग एक 125cc या फिर 150cc की बाइक करें बात करें तो भाई जो भी स्टंट्स होंगे प्रॉपर आपको हमारी वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, और भाई जो भी कंटेंट होगा वो आपके लिए ऑन वीडियो पर दिखाते ही रहेंगे। भाई मैं बता दूं कि भाई हमारे जो भी भाई लोग हैं हमारे ग्रुप के भाई, और भाई स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने भाई हमारा जो ग्रुप है राइडर्स जोन के लिए, एंड भाई ऋषभ भाई और भी भाई हमारे मुनीस भाई, जो भी हमारे भाई लोग हैं जिन लोगों ने भाई मेरे को सपोर्ट किया, और उनका भाई मैं दिल से धन्यवाद कहता हूँ भाई, क्योंकि भाई स्पेशली थैंक यू भाई इन लोगों के लिए इसलिए जाता है। और भाई सबसे जो हमारे मेन ग्रुप के भाई जो हमारे हेड हैं प्रियांशु भाई हमारे, जिनका भाई ग्रुप जो चल रहा है द UP 22 राइडर्स, भाई मैं उनके लिए बता दूं कि भाई आपने जो भी भाई हमारी सपोर्ट की भाई जितना बना आपसे आपने बहुत ज़्यादा किया भाई, इतने कि हम किसी से बंदे से सोच नहीं सकते, एक बाहर का बंदा होता है भाई इतनी सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन भाई आपके लिए स्पेशली थैंक यू बड़े भाई आपने जितना भी किया। और मैं बता दूं कि भाई आप जो मेरी बाइक के बारे में बोल रहे थे भाई, बाइक की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बाइक थोड़े दिनों की बात है भाई, अगर बन गया तो भाई मैं जल्दी बाइक लेने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड मैं बता दूं कि भाई जो भाई अभी हमारे चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करके हमें जरूर बताओ कि आपको हमारा ब्लॉग इस बाइक से कैसा लगेगा।